तो दोस्तों आज देखिए इनका तबीयत थोड़ा ठीक है और आज इसने सारा काम किया है। खाना भी आंगन, बना लिया है अभी। हाँ खाना भी बना लिए हैं, आंगन सब बाहर दिए हैं, क्योंकि जो मतलब जिस दिन जैसे रहते हैं उस दिन बताते हैं दोस्तों, सब सच्चाई बताते हैं, क्योंकि झूठा नहीं, सही है, तो इसलिए सही दिखा रहे हैं, देख सकते हैं। और लेकिन काम भी पूरी तो तरह सही नहीं है। कोई बात नहीं, फिर भी काम कर रहे हैं। देखिए हाँ, फिर इधर, भी काम कर रहे हैं। देखिए वो नहीं होता है, काम किया अच्छी तरह, थोड़ा शरीर तंदुरुस्त रहा ना तो। देखिए चावल, अरे वाह दोस्तों, चावल बन गया है, और भिंडी का भुजिया, हाँ दाल, दाल भी बन गया। दाल एक बार घर, अच्छा नहीं लग रहा है देखने में, तो अच्छा नहीं लग रहा है हमको, तो लगता देखिए है रात वाला दाल है। ये झूठ मत बोलिए। अभी बनाई है तो ये अभी देखिए, नहीं देखिए, रात वाला रहता तो भाप रात वाला, निकलता है। ये भी रात वाला चावल है, भाप रात चलता है, देखिए तो नहीं लगता है दोस्तों, इनको गरम कर दिया है ये फिर से। भगवान। डेक्सी देखिए तो, वो तो ठीक है, गरम किया है फिर से। बारती लोग हैं आप। मम्मी या अभी बना लिए खाना? रात वाला चावल को गरम किया ना मम्मी? झूठ हाँ मम्मी झूठ नहीं बोलती है, सच सच बताओ तो। हाँ अभी रात वाला बना चावल लिए को गरम किया है ना? ना, गरम कर रखे। ए मम्मी सच्चाई बोलती है, झूठ अरे कभी नहीं अभी बोलती है। तो मार है अभी बात। ये गरम करके पानी, सुने हाँ ना, चावल नहीं रहे सिझल तो ओकरा फेर से सिझल के। गरम करके हाँ रात वाला चावल को, कितना झूठ बोल रही थी सिझल दोस्तों। देखिए लग रहा है अभी चावल बना रहा है, ये तो रात वाला चावल को पानी में डाल के गरम करके। देखिए रात वाला चावल को किस तरह ये बना दिया भगवान है, झूठ कैसे, इसको गरम करके। भगवान रात वाला चावल रहता भाप निकलता, देखिए तो। भातों तो गरम करोगे तो भाप नहीं निकलेगा, तो क्या निकलेगा, ये भगवान आग निकलेगा। इस तरह गरम में नहीं निकलता है। ए देखिए मम्मी देखी कते झूठ बोले छो तोर भाप, पुतौवा। देखिए वो रात का सब बढ़िया भले हाँ बात खाल हाँ न जा रहे हमरा। हमें तो केनो केनो के खरी वो हम जाने छिए। तब ये वो सच्चाई बोलो, जो झूठा है वो मत बोलो। तो है तभी से बोल रहे हैं ना आपको, मुंह धोते हैं ना, खाते हैं अभी ये। तो खा दो ना, कुछ सो बने रहे दोस्तों। अभी देखिए क्या सब लगा रहे हैं, सब लोग बने रहे, तब तक आप दिखाओ और हमें मुंह धो के आते 2 मिनट में, ठीक है? तो देखिए दोस्तों अभी हम खाना वाना बना लिए हैं और यहाँ पे रख दिए सारा चीज। देखिए और सच्चाई बता ही देते हैं, क्योंकि रात में चावल ज्यादा और चावड़े जैसे था, नहीं सीझा था, हम नहीं बनाए थे, हम रात में सो गए थे, थोड़ा सा तबीयत ठीक नहीं थी इसीलिए। और उसी को अच्छा से पानी में देके, देख सकते हैं पानी पसा दिए हैं। तो देखिए जल्दी आओ, ए नमक ढारो पहले इसमें, फिर साइड में बढ़िया से, बस बस। नहीं आपकी मम्मी नहीं खाएंगी, आपकी मम्मी को भूख नहीं लगा है। देखिए मुंह कैसे हो गया, इनसे बात कर रहे हैं, सिस्टर उधर छुपा हुआ है। इतना छोटी है, हमसे हिंदी में बात कर रही है। अच्छा है ना संस्कार। हाँ, सो आप लोग बने रहिए दोस्तों, अभी हम लोग खाना खा। हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मैं भी बिल्कुल अच्छी हूँ। तो दोस्तों मैं बात करने वाली हूँ आरती और मनु के बारे में, कि मनु ने आरती के ऊपर इल्जाम लगाया है कि तुम मुझे, जब मनु ने पूछा आरती से कि क्या तुम मुझे बासी खाना बना के देती हो, तो आरती ने साफ इनकार किया। उन्होंने कहा नहीं, मैंने सारा खाना जो है ताज़ा बनाया है, अभी बनाया है। तो आरती ने बोला अपनी अपनी सासू माँ से, क्या मम्मी आप ही बताएगी क्या मैं इन्हें बासी खाना दे रही हूँ? तो मन उनकी मम्मी भी हाँ। तो फिर उनकी मम्मी जब आई तो मनु ने उनसे पूछा, मम्मी आप सच सब बताना, हम सही सही बताना कि क्या ये खाना बासी है या नहीं है, ये चावल भी बासी है या नहीं है। तब उनकी मम्मी हंस दी और हंसते हंसते उन्होंने कहा कि हाँ ये बासी चावल ही है, बासी खाना ही है। तो फिर तो भी आरती मानने को तैयार नहीं थी, वो बार बार बोल रही थी ये वो बार बार बोल रही थी कि ये ताज़ा खाना मैंने बनाया हुआ है। तो मनु ने बोला कि इतनी जल्दी आप इतना सारा खाना कैसे बना सकते हैं, इतनी जल्दी तो बन नहीं सकता, वो भी लकड़ी के चूल्हे पे या फिर गैस पे, तो भी इतनी जल्दी नहीं बन जाएगा आधे घंटे में। तो मनु उनको सुबह से ही देख रहा था, आरती जो है घर का इधर उधर का काम कर रही थी, खाना नहीं बना रही थी। अचानक आरती ने जब खाना परोसा तब वो जाके शक में पड़ गए, तब उन्हें डाउट हुआ कि आरती झूठ ही बोल रही है। तब उनके मम्मी ने बताया कि हाँ ये रात का ही खाना है। उसके बाद जब आरती मनु ने कहा कि मैं ब्रश करके आता हूँ तब तक तुम खाना निकालो, तो आरती ने पूरी सच्चाई बताई। आरती ने कहा कि हाँ ये बासी खाना ही है, ताज़ा खाना नहीं, क्योंकि रात का जो चावल था बहुत ज़्यादा टाइट बन गया था।
तो मैंने इसे अच्छे से गर्म पानी में डाल करके इसे सॉफ्ट कर दिया था। तो आरती ने जो किया समझदारी से किया, क्योंकि बासी खाना जब होता है, जो बासी खाना होता है अगर ज़्यादा होता है तो उसे हमें वेस्ट नहीं करना चाहिए। अगर वो ख़राब बन जाए तो हमें उसे सुधार के खाना चाहिए, क्योंकि अनाज का अपमान बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों आज का ये वीडियो कैसा लगा आप लोगों को कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।